हाय गाइस, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं दीक्षा और वेलकम है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। सो गाइस, आज की वीडियो में मैं आपके साथ हैना कोन रोलिंग फिलिंग कैसे करते हैं और उसको ब्लॉक कैसे करते हैं वो सब कुछ इस वीडियो में बताऊंगी। तो यहां पे मैंने एक बैग ले लिया है, मतलब ये मैंने मिठाई के डब्बे के बाहर एक पन्नी थी वो मैंने ले ली है। और लास्ट वीडियो में मैंने आपके साथ सेलोफेन शीट और कैसे शीट लेनी चाहिए, कितना कितना मेजरमेंट लेना चाहिए वो आपके साथ शेयर किया। तो पहले मैंने इस शीट का जो भी मैंने यहाँ पर ली है उसके पहले सारे एजेस कट कर दिए, जो भी मुड़ा मुड़ा वाला पार्ट है सब कट कर दिया। उसके बाद मैंने यहाँ पे ले लिया है। अब देखो, चार फिंगर से नीचे होल्ड करना है, चार फिंगर से ऊपर होल्ड करना है। मेरे हैंड मूवमेंट आप यहाँ पे देख सकते हो। और उसके बाद बस एक बार इसको मोड़ना है। यहाँ पे मैं बहुत स्लोली आपको बता रही हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। उसके बाद इसको हल्का हल्का पहले मोटा मोटा सा इसको मोड़ लेना, ठीक है। अब यहाँ पे चेक करना कि इस पर होल बना हुआ है कि नहीं बना हुआ है। अगर आपके पिन है तो पिन की हेल्प से कर सकते हो। मेरे पास पिन नहीं थी तो मैंने इस तरीके से बता रही हूँ, और ज़्यादा दिक्कत नहीं होती इसमें। पिन में आपको ज़्यादा दिक्कत होगी वो पिन होल्ड करने में भी, क्योंकि टाइम लग जाता है। अब इसको थोड़ा और इसको फोल्ड करना है। इतना फोल्ड करना है जब आपकी एक फिंगर इसके अंदर जाना, मतलब एकदम टाइट हो जाए ना, फिंगर डालना उसके अंदर, और वो जब टाइट हो जाएगी ना, यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ। और हाँ, पहले ये देख लो कि जब एल शेप बनेगा तो मतलब कि कौन सा इंजी बन रही है, और अगर आपका वी शेप बन रहा है तो वो सही है कोन, ठीक है। अब मेरी एक ही फिंगर इसमें जा रही है तो उतना ही हमको कोन इसमें बनाना है, ठीक है। अब यहाँ पे होल फिर से चेक कर लेना लास्ट में भी कि बन रहा है कि नहीं बन रहा। अगर आपका जो नोक है, मतलब कोन के आगे की नोक है वो जो है अगर मोटी है तो आपको ना कोन के अंदर से फिंगर डालनी है, उसको हल्का सा पीछे खींचना है। मैं थोड़ा आगे पीछे हो गई बोलने में, बट आप थोड़ा पीछे से एक बार वीडियो देखना, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें हमें तीन जगह पे टेप चिपकाना है। एक तो फ्रंट साइड में बहुत ज़्यादा नीचे टेप में चिपका देना, क्योंकि जब भी हम मेहंदी लगाते हैं तो हम कोन की नोक साफ करते हैं और उस टाइम पर वो टेप निकल जाता है। तो मेक श्योर करना कि आपकी जो टेप है वो थोड़ा ऊपर चिपकी हो, ठीक है। फिर तीन जगह पर हमको चिपकाना होता है, जहाँ जहाँ पर मतलब कोन खुली हुई होती है, जहाँ जहाँ पर आपको एजेस दिखेंगे ना कोन के, वहां पे आपको इसको टेप को अच्छे से चिपका देना है। वरना क्या होता है कि जब हम मेहंदी अप्लाई करते हैं तो वो खुल जाता है और आपके कोन भी, मतलब आपका पेस्ट जो है वो बाहर निकल जाता है। इस शीट से मेरे चार कोन बन गए थे, ठीक है। और ये जो नेवला का पैकेट है इससे भी मैंने पेस्ट फिल कराया, ये भी नॉर्मल पैकेट से मैं बना रही हूँ, और ये मैं प्रैक्टिस के लिए कोन बना रही थी, ठीक है। अब मेरे को लगा कि ये थोड़ा ज़्यादा होगा पेस्ट, तो मैंने दो शीट और ले ली, दो कोन और बना ली, ठीक है। अब यहाँ पे मैं फिल कर रही हूँ, और फिल करते करते हमेशा मेरे से एक गड़बड़ पता क्या होती है कि जिस बैग से मैं इसको फिल करती हूँ उसको मैं हमेशा ओवर फिल कर लेती हूँ, और मैं हमेशा कोन बनाती हूँ उसके अंदर पेस्ट डालती हूँ फिर उसके बाद कोन फिल करती हूँ। मतलब आप पाइपिंग बैग से भी कर सकते हो, पर जब कम अमाउंट में पेस्ट बन रहा हो तो तब पाइपिंग बैग की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है। या फिर लोग पॉलीथीन से भी करते हैं, नॉर्मल पॉलीथीन में ये डाल देते हैं, मतलब पेस्ट डाल देते हैं और उसके बाद करते हैं, बट उससे मैं कंफर्टेबल नहीं होती, तो मैं हमेशा कोन बनाती हूँ और कोन हमेशा ओवर फिल भी कर लेती हूँ, तो ये ऐसी गड़बड़ मेरे साथ हो जाती है। तो आप जब करना तो कम फिल करना कोन को, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने छः कोन मेरी बन गई थी आराम से, और ये मैंने दो चम्मच पाउडर से बनाया था। और अब मैं इसको लॉक करना सिखाऊंगी बहुत सारे लोगों को, इवन मेरे को भी ये बहुत दिक्कत होती थी इसको बंद करने में। तो जो कोन का छोटा वाला साइड है वहाँ पे आपको टेप चिपकाना है, उसके बाद कुछ इस टाइप से करना है, उसके बाद एक फोल्ड लेना है ऊपर से, फिर दोनों साइड से दो फोल्ड लेने हैं, फिर इसको ऊपर से दो बार फोल्ड कर देना है, एक और दो, और यहाँ पे हमारी कोन बन के हो गई है रेडी। अब हम इस पर टेप चिपका लेंगे। अब यहाँ पे ना आपको ये वाला टेप, ये टेप कटर होता है ना, इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि आप नॉर्मल टेप से करने की सोच रहे हो ना तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी, बहुत ज़्यादा। अब हम दोनों साइड से टेप को अच्छे से सिक्योर कर देंगे, अब ये कोन बन जाएगी मस्त। और इसमें दिक्कत होती है जैसे आप इसको लॉक करोगे ना, नीचे से मतलब पेस्ट निकलने लग जाता है, ठीक है। तो वहाँ पर भी आपको हमेशा टेप चिपका के रखना है ताकि वो निकले ना और आपकी मेहंदी खराब भी ना हो। तो यहाँ पे मैं एप्लीकेशन भी बता रही हूँ। तो कैसी लगी ये वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय।